उधर संसद में अधीर रंजन के मोदी शाह को घुसपैठिया बताने वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है। इस मुद्दे पर बीजेपी जहां कांग्रेस से माफी की मांग कर रही है, तो अधीर रंजन अपने बयान पर अड़े हुए हैं और इन बयानों से संसद में एनआरसी के मुद्दे पर गर्माहट बनी हुई है। वहीं इस गर्मागर्मी के बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने मोदी शाह को घुसपैठिए के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को निर्बला भी कह दिया। रिपोर्ट देखिए। मैं बांग्लादेश का है, मैं घुसपैठिया हूँ, मैं धीमाक हूँ। वो आपका नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मैं सब घुसपैठिया है। लाल कृष्ण आडवाणी भी घुसपैठिया है। आप तो पूर्ण होगी बात, हमारा गुजारिश नियमों का पालन करें। कोई नहीं, आपका अधिकार है। नहीं, मैं नियम के। रविवार को पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घुसपैठिया बताने वाले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के बयान पर सोमवार को भी सदन में हंगामा हुआ। बीजेपी सांसदों ने अधीर रंजन से माफी मंगवाने की बात कही। संसद में इस मुद्दे पर हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन के बयान की निंदा की और कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी घुसपैठिया हैं। अगर कांग्रेस में कुछ भी समझ है तो वो माफी मांगे, और अगर अधीर रंजन माफी नहीं मांग सकते तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी माफी मांगे। खुद कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहे हैं उनको थोड़ा याद में, तब वो स्टेटमेंट देते हैं ना, तब उनको याद में आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, आज के दिन का नेतृत्व कहाँ से है, कौन घुसपैठी है, वो तो अधीर रंजन चौधरी ठीक तरह से समझ जाना पाइए। और जो मैंडेट प्रधानमंत्री जी को दिया है लोगों ने, नरेंद्र मोदी जी को 2019 में दिया है, ये तो मैंडेट का अपमान है। वहीं एनआरसी पर निशाना साधते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हिंदुस्तान सबके लिए है, ये हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं, सबका समान अधिकार है। अधीर रंजन ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बाहरी बता दिया। उन्होंने कहा कि आपका घर गुजरात में है और आप दिल्ली आ गए, वैध अवैध बाद में पता चलेगा। इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो दिल्ली, ये तो जाट गुजर लोग के हैं, तो यहाँ से वो लोग भी कहेगा कि भाई बाहर वाले लोग यहाँ से चले जाओ। तो गुजरात से आए हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनको भी ये कह सकते कि भाई तुम भी माइग्रेंट हो। तो इसका अधीर रंजन ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर फिर से हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों को भगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भगाने की उनकी हिम्मत नहीं है। मुसलमान हमारे देश का नागरिक है और वो भागेगा क्यों? हिंदुस्तान सबके लिए है, हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए है। जिस तरीके की माहौल पैदा हो रहा है उसमें सबको समझा जाएगा। वो कह रहे हैं कि हर स्टेट में एनआरसी लागू होगा, तो हर स्टेट में एनआरसी लागू होगा तो पैरामीटर क्या होगा? हमारा तो कागजात नहीं है जो दिल्ली में हम पैदा हुए हैं। जैसे कि मान लो मेरा पास कोई कागजात नहीं है कि दिल्ली में मैं पैदा हुआ। मेरा पास ये भी कोई कागजात नहीं है कि हिंदुस्तान में हम इतने साल से रह रहे हैं। मेरा पिता माता बांग्लादेश से आए थे और हम यहाँ से जन्म लिए थे। तो कागजात कौन रख रखाव करते हैं? इतने सालों से कोई कागजात खो भी जा सकते। और जो अनपढ़ लोग है, जो मजदूर लोग है, जो गरीब लोग है, उनका कागजात रखने के उनका क्या उनका मतलब होते हैं? जिनका घर नहीं है, जिनका सोने का चटाई नहीं है, वो कागजात रखने का सिंधु कहां से मिलेगा उनको? वहीं इस मामले पर गरमाई सियासत ने बयानों को और तल्ख किया। इसके बाद बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने ये बात कह डाली कि अधीर रंजन चौधरी का दिमाग सड़ गया है या फिर कोई बीमार दिमाग उन्हें इस तरह के बयान देने का आइडिया दे रहा है। अब देखिए, अधीर रंजन चौधरी का दिमाग सड़ गया है। बार बार ऐसे बयान वो पार्लियामेंट में दे रहे हैं, या खुद उनका दिमाग खराब है या कोई ऐसे बीमारी दिमाग उनको इस प्रकार के आइडिया दे रहे हैं, ऐसा बयान बोलने में उनको मजबूर कर रहे हैं, ये भी एक विश्लेषण का विषय है। और इस प्रकार के बयान देकर के लोगों को भड़काने की, लोगों को गुमराह करने की कोशिश भी है।
कि माननीय गृहमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि राज्यसभा में जहां मैं मौजूद था कि एनआरसी को लेकर एनआरसी में सभी का सबका नाम शामिल किया जाएगा और जो जो भारतीय हैं और सिटीजनशिप एक्ट अलग है उसमें जो भी अच्छा एनआरसी के तहत जो हर नागरिक किसी भी धर्म के हो जात के हो प्रांत के हो उन सबको एनआरसी के सूची में उनको शामिल किया जाएगा। सदन में अधीर रंजन के बयान के बाद से उठे बवाल की लपटें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तक पहुंची तो अधीर रंजन ने कहा कि ये हमारी नेता सोनिया गांधी को घुसपैठिया कह रहे हैं। अगर मेरा लीडर घुसपैठिया है तो आपका लीडर भी घुसपैठिया है। साथ ही कॉरपोरेट टैक्स पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को निर्बला तक कह डाला। फिलहाल नागरिक संशोधन बिल सियासत को खूब गर्म कर रहा है और अधीर रंजन अपने बयानों से सियासत की तपिश को और गर्म करते नजर आ रहे हैं। टीम राजनीति।